हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 7 की सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के होल सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका ए पार्ट है 2y + 5/2 = 37/2। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2y + 5/2 = 37/2। अब जो 2i है, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है, ये 5/2 कांस्टेंट टर्म है, और ये 37/2 ये भी कांस्टेंट है। दोनों को एक तरफ कर देंगे, ये प्लस का 5/2 जब इधर आएगा तो ये माइनस में 5/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 37 - 5/2, मतलब 2y = 37 - 5/2 या 2y = 32/2 सॉल्व करेंगे तो 2y इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 2, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y = 16/2 या y = 8, यही हमारा आंसर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 5t + 28 = 10 है। 5t एक वेरिएबल वाला टर्म है, 28 और 10 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो प्लस का 28 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 - 28। अब ये प्लस का 10 छोटा है, माइनस का 28 बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, -18। लेकिन इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो t = -18/5, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a/5 + 3 = 2। यहाँ पर a/5 ये हमारा वेरिएबल का टर्म है, 3 और 2 ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको एक तरफ करेंगे तो प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर सोल्यूशन करके आएगा a/5 = 2 - 3। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस का 2 छोटा है, माइनस का 3 बड़ा है, तो -1 आएगा, तो a/5 = -1। यह सॉल्व करेंगे तो a = क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, -1 × 5 या a = -5, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी पार्ट है q/4 + 7 = 5। ये वेरिएबल का टर्म है, ये प्लस का जो 7 है और ये 5 ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको एक तरफ कर लेंगे तो प्लस का 7 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, q/4 यही रहेगा, इक्वल टू 5 में से -7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, -2। तो जब -2 बचेगा, यहाँ q/4 = -2 है, अब ये 4 डिवीजन में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, q = -2 × 4 या q = -8, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5/2x = -5। अब यहाँ पर 5/2x से मल्टीप्लाई में है, तो जब ये उधर जाएगा तो 5/2 ये 2 मल्टीप्लाई में होगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो -5 × 2/5 हो जाएगा, 5 × 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो x बराबर -1 × 2, तो सॉल्व करने पर आएगा x = -2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्वेश्चन है 5/2x = 25/4। 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, एक्स से इधर जाएगा तो 25 में डिवाइड होगा, मतलब x = क्या हो जाएगा, 25/4 ऐसे ही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा मतलब, और 5 नीचे आ जाएगा, (2/5). अब 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, तो x = 5/2, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7m + 19/2 = 13। 7m = ये कांस्टेंट टर्म है, इधर आ जाएगा 13 - 19/2। अब यहाँ पर जब हम 13 का मतलब 13/1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 - 19/2 या 7m इधर ही रहेगा, तो 7m = क्या आ जाएगा, 26 में से 19 गया, 7/2। अब जो इधर 7m का 7 था वो इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो m = 7/2 × 1/7, 7 × 7 = 7, तो सॉल्व करके आएगा m = 1/2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 6z + 10 = -2। तो 6z = क्या है, -2, इधर का प्लस 10 इधर आएगा, -10 हो जाएगा, 6z = क्या आ जाएगा, -12, तो जो 6 इधर मल्टीप्लाई में है ये भी इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो z = आएगा -12/6,
सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, क्योंकि ये माइनस का ट्वेल्व था तो ये माइनस का टू आएगा, तो सॉल्व करने पर आएगा जेड इक्वल टू माइनस टू आंसर। क्वेश्चन नंबर है फिर थ्री बाई टू एल इक्वल टू टू बाई थ्री, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो टू बाई थ्री तो ऐसे ही नोट होगा और ये थ्री बाई टू जो है टू बाई थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इक्वल टू आ जाएगा टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, एल इक्वल टू फोर बाई नाइन आंसर। क्वेश्चन नंबर जे है टू बाई थ्री माइनस फाइव इक्वल टू थ्री, अब ये इधर माइनस में है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टू बाई थ्री इक्वल टू थ्री प्लस फाइव। अब बी में ये टू बाई थ्री मल्टीप्लाई में है तो टू बी में मल्टीप्लाई थ्री डिवीजन में है, तो जो इधर एट हो गया तो बी इक्वल टू क्या आएगा, एट इंटू ये थ्री ऊपर हो जाएगा थ्री बाई टू, तो टू वन जा टू, टू फोर जा एट, तो आ जाएगा बी इक्वल टू ट्वेल्व, यही हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर टू में है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, अब फर्स्ट है हमारा टू को सेकंड का ये पार्ट, टू ब्रैकेट में एक्स प्लस फोर इक्वल टू ट्वेल्व, या एक्स प्लस फोर इक्वल टू क्या होगा ट्वेल्व, टू मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो डिवाइड हो जाएगा ट्वेल्व बाई टू, तो एक्स प्लस फोर इधर टू अंजर टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, और ये प्लस में फोर है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, या एक्स इक्वल टू टू आंसर होगा। सेकंड का बी पार्ट है थ्री ब्रैकेट में एन माइनस फाइव इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये थ्री इधर मल्टीप्लाई में है एन माइनस फाइव से, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा एन माइनस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई थ्री, माइनस ट्वेंटी वन बाई थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, तो ये माइनस का सेवन होगा, एन ये माइनस का फाइव है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फाइव, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सेवन है प्लस का फाइव है, तो आ जाएगा एन बराबर माइनस टू, या सोल्यूशन करके आएगा एन इक्वल टू माइनस टू आंसर। क्वेश्चन हमारा सेकंड का डी पार्ट, माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर ब्रैकेट में टू प्लस एक्स इक्वल टू ए, अब माइनस फोर इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, टू प्लस एक्स इक्वल टू एट अपॉन माइनस फोर, तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा ए, तो टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस टू, अब एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का टू है इधर आएगा, ये भी माइनस का टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस का फोर आंसर। अब जो ई पार्ट है हमारा वो है फोर ब्रैकेट में टू माइनस एक्स इक्वल टू एट, फोर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, टू माइनस एक्स इक्वल टू एट बाई फोर, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो ये आएगा टू माइनस एक्स इक्वल टू टू, अब ये माइनस का एक्स इधर ही रखेंगे तो ये टू प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, टू माइनस टू तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, या एक्स इक्वल टू जीरो, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जीरो प्लस माइनस किसी का नहीं होता, तो एक्स बराबर जीरो आंसर। क्वेश्चन थर्ड का ये पार्ट है फोर इक्वल टू फाइव ब्रैकेट में पी माइनस टू, क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट है फोर इक्वल टू फाइव ब्रैकेट में पी माइनस टू, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है फोर इक्वल टू फाइव ब्रैकेट में पी माइनस टू, अब फोर को ऐसे ही नोट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, फाइव पी माइनस फाइव टू जा टेन, ये माइनस का टेन है और ये फोर है, दोनों कॉन्स्टेंट रहे दोनों एक तरफ कर लेंगे, फोर प्लस टेन हो जाएगा इक्वल टू फाइव पी, माइनस था इधर आया प्लस हो गया, अब फोर्टीन हो गया, इधर फाइव मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, फोर्टीन बाई फाइव इक्वल टू पी, या पी इक्वल टू फोर्टीन बाई फाइव, यही हमारा आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो माइनस फोर इक्वल टू फाइव ब्रैकेट में पी माइनस टू, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है वहाँ माइनस फोर था यहाँ माइनस फोर है, तो माइनस फोर ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई करेगा पी माइनस टेन, माइनस इधर आएगा प्लस हो गया, तो माइनस फोर प्लस टेन इक्वल टू फाइव पी, यहाँ बचा मतलब सिक्स इक्वल टू फाइव पी, तो ये पी जो है फाइव मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सिक्स अपॉन फाइव इक्वल टू पी, या पी इक्वल टू हम सिक्स बाई फाइव आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है सी सिक्सटीन इक्वल टू फोर प्लस थ्री
ब्रैकेट में टी प्लस टू, तो ये प्लस का फोर है इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो 16 माइनस फोर इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में टी प्लस टू, तो 16 में से जब 4 जाएगा 12 बचेगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 12 बाई 3 इक्वल टू टी प्लस टू। अब 3 वन जा 3 फोर जा 12, तो 4 तो ऐसे ही नोट होगा, ये प्लस में 2 है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू टी, या टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का डी पार्ट है, उसमें 4 प्लस 5 ब्रैकेट में पी माइनस 1 इक्वल टू 34, तो ये प्लस का 4 है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 पी माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 34 माइनस 4, तो पी माइनस 1 इक्वल टू ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 34 से 4 गया 30, 30 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ माइनस में 1 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, पी इक्वल टू 6 प्लस 1, तो P इक्वल टू क्या आ गया 7, यही हमारा आंसर होगा। जो फर्स्ट ई पार्ट है हमारा 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में m माइनस 6, प्लस का 16 इधर आया माइनस 16 हो गया इक्वल टू 4 ब्रैकेट में m माइनस 6, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 4 इक्वल टू m माइनस 6, 4 वन जा 4 और 4 4 जा 16, माइनस का 4 आएगा तो m माइनस 6, जब होल इक्वेशन को लेफ्ट राइट में लिखते हैं कोई साइन चेंज नहीं होता, m माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस का 6 है तो m इक्वल टू इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 या m बराबर 2, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू 2, तो फर्स्ट इक्वेशन इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 2 आए, तो x प्लस 6 इक्वल टू 8, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 ही आएगा। सेकंड इक्वेशन क्या होगा 4x प्लस 8 इक्वल टू 16, इसको भी सॉल्व करने पर x बराबर 2 ही आएगा। और जो थर्ड इक्वेशन होगी वो होगी 3x प्लस 6 इक्वल टू 12, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा वही x इक्वल टू 2 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू माइनस 2, फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस 4 इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन होगी 2x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 10, और जो थर्ड इक्वेशन होगी हमारी वो होगी 6x प्लस 16 इक्वल टू 4, इन सभी को सॉल्व करने पर हमारा x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, यही हमें लिखना था, बोल्ड करके लिख देना था। एक्सरसाइज 4 जो 3 है वो हमारी यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 है, जहाँ पर हमें इक्वेशन को बिल्ड करना है, बनाना है, और जो भी सॉल्व करके उस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का ये, ऐड 4 टू 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60, तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमने सपोज किया कि नंबर क्या है x है, अब उसमें कह रहा है कि नंबर के 8 टाइम्स में 4 को अगर ऐड कर दें तो हमें 60 फाइंड होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल टू 60, अब ये प्लस का 4 है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 8x बराबर 60 माइनस 4 या 8x बराबर 56। अब उसके बाद में इधर इन दोनों में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 56 अपॉन 8, 8 वन जा 8, 8 सेवन जा 56, x बराबर 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 4 गिव 3, सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का 5 मतलब 1/5 हो गया माइनस 4, हमें 3 फाइंड होता है, तो ये हमने क्वेश्चन बिल्ड कर ली, ये माइनस में 4 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ए बाई 5 इक्वल टू 3 प्लस 4, ए बाई 5 इक्वल टू 7, अब यहाँ डिवीजन में है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 या ए इक्वल टू 35, मतलब वो नंबर हमारा 35 होगा, यही हमारा आंसर होगा। सी पार्ट है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21, सॉल्यूशन में हमने सपोज किया लेट द नंबर बी एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर के 3/4 में 3 ऐड करते हैं 21 फाइंड होता है,
इक्वेशन बोल्ड कर दी। अब इक्वेशन बोल्ड करने के बाद ये प्लस में है, 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3/4x = 21 - 3 दोनों कांस्टेंट रहे, मैं एक तरफ कर लिया। अब 21 से 3 गया तो क्या बचेगा, 3/4x = 18। अब x केवल इधर रोका तो ये 3/4 जब उधर जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई में होगा 3 डिवीजन में, 18 × 4/3 3 बन जाए 3 × 3 = 18, तो x = 6 × 4 या x = 24, यही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट कटी पार्ट है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ए ट्वाइस ऑफ ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नंबर का ट्वाइस है उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, 11 कांस्टेंट रहा में इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में था। 2p = 15 + 11 या p = दोनों को ऐड करेंगे 26, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो p = 26/2 सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, p = 13 आंसर, मतलब वो जो अननोन नंबर था हमारा वो 13 है। फर्स्ट का ही पार्ट है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। सॉल्यूशन में हम सपोज करेंगे लेट मुन्ना हैज द नंबर ऑफ नोटबुक बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 में से 3y को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट 8 आ रहा, तो 50 - 3y = 8 या 50 - इसको इधर ले आए कॉन्स्टेंट टर्म, इसको इधर ले गए तो = 3y, 50 - 8 = 3y, तो 50 में से 8 जब माइनस करेंगे 42 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई में 3 था तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 42/3 = y, सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 14 / 42, तो y = 14, मतलब जो मुन्ना के पास नोटबुक है वो 14 है, तो उसी को लिख देंगे द नंबर ऑफ नोटबुक इज 14। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का एफ पार्ट है, इवन हाल थिंग्स ए नंबर सी एडेड 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 सी विल गेट 8। सॉल्यूशन में लेट द इवन हाल थिंग्स नंबर बी एक्स, ये हमने सपोज कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 19/5 = 8, तो x + 19 ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 19 = 8 × 5 या x + 19 = 40, ये प्लस का 19 इधर आएगा माइनस हो जाएगा x = 40 - 19, तो x = 40 - 19 = 21, मतलब जो इवन हेल ने नंबर सोचा था वो 21 है। जी क्वेश्चन है, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ टी टेक 7/5/2 ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 23। सॉल्यूशन में लेट द नंबर अनवर थिंग्स बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/2x - 7 = 23, अब 5/2x को इधर रोका, ये माइनस का 7 है कांस्टेंट टर्म में, इधर ले गए प्लस हो गया, 5/2x = 23 + 7 या 5/2x = 23 में 7 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 5/2 में x मल्टीप्लाई है, x यही रोका, जब इधर जाएगा इक्वल टू के तो 2/5 हो जाएगा, तो 30 × 2/5, 5 × 5 = 30, तो x = 6 × 12, x = 12 आंसर, मतलब जो अनवर ने नंबर सोचा था वो 12 है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट है, टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। सॉल्यूशन में हाईएस्ट मार्क स्कोर इन द क्लास 87 ये हमें गिवन है, हमने सपोज किया लेट द लोएस्ट मार्क स्कोर इन बी एक्स इन द क्लास, तो जो 2x + 7 मतलब लोएस्ट स्कोर के दुगने में 7 ऐड कर देंगे तो हाईएस्ट स्कोर के इक्वल आ जाएगा, ये हमें गिवन है। अब 2x को यहीं रोका, ये प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस हो गया, तो 87 - 7, तो 2x = क्या होगा 80 होगा, लेकिन जब 2 इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x = क्या होगा 80/2, तो 2 × 2 = 4 / 8 = 0, तो x = 40 मार्क्स, मतलब
जो लोवेस्ट मार्क है वो लोवेस्ट मार्क स्कोर बाय स्टूडेंट इक्वल टू 40 होगा। सेकंड का बी पार्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, वर्टेक्स एंगल इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब सॉल्यूशन में इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 40 डिग्री ये हमें गिवन है, लेट द इक्वल एंगल बी जेड डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 होता है, तो जेड प्लस 40 इक्वल टू 180, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 में से 40 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2z इक्वल टू 140। अब z में 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो गया, तो z इक्वल टू 140 बाई 2 या 2z इक्वल टू 70 डिग्री, ये आंसर आ गया। अब तो जो हमने इक्वल एंगल जो माने थे वो 70 डिग्री के होंगे, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है हमारा सेकंड का सी, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल टुगेदर, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट द राहुल स्कोर्ड बी एक्स रन और द सचिन स्कोर्ड बी 2x रन, द राहुल एंड सचिन बोथ स्कोर्ड इक्वल टू 198 रन्स, ये हमें गिवन है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इक्वल टू 198। अब 3x, ये 1x है ये 2x है, दोनों जुड़ेंगे 3x इक्वल टू 198, x इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, तो x बराबर 66 रन। तो इसका मतलब होगा कि राहुल ने स्कोर किया है जो x रन, तो इसका मतलब 66 रन, और सचिन ने स्कोर किया है 2x रन, तो इसका मतलब 2 × 66 बराबर 132 रन, तो यही हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीट है, इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीट है। सबसे पहले हमने सपोज किया कि इरफान हैज, सबसे पहले हमें गिवन है इरफान हैज टोटल मार्बल इक्वल टू 37, फिर हमने सपोज किया लेट द परमीट हैज बी एक्स मार्बल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7, मतलब जो परमीत के पास मार्बल है उसके 5 गुने में 7 ऐड करेंगे तो इरफान के मार्बल के इक्वल आ जाएगा। अब ये 7 कांस्टेंट वैल्यू इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 37 माइनस 7 या 5x इक्वल टू 30। अब x इधर मल्टीप्लाई में है, x इक्वल टू क्या होगा, 30 अपॉन 5, 5 + 5, 6 + 30, तो x बराबर क्या आ गया, 6 मार्बल। अब इसका मतलब है परमीत हैज 6 मार्बल, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, व्हाट इज द लक्ष्मी एज। सॉल्यूशन में हमने सपोज किया लक्ष्मी फादर एज हमें गिवन है 49 ईयर और हमने माना लेट द लक्ष्मी एज बी एक्स ईयर, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 49, ये तो क्वेश्चन के अनुसार हो गया। अब 3x को इधर ही रोका, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 49 माइनस 4। अब 3x इक्वल टू 49 में से 4 गया 45 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, इधर 45 में 3 आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 45 बाई 3, 3 × 3, 3 × 5, 3 × 45, तो x बराबर 15 ईयर, मतलब जो लक्ष्मी की एज है वो 15 ईयर होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड का सी पार्ट, थर्ड पार्ट, पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्री इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्री वर फ्रूट, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, व्हाट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वॉज 77। सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इक्वल टू 77, ये हमें गिवन है, द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री बी एक्स, ये हमने सपोज कर लिया लेट द। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, तो ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 77 माइनस 2। अब 3x इक्वल टू 77 में से 2 गया 75, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू 75 अपॉन 3। तो सॉल्व करेंगे तो 3 जा 3, 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया x इक्वल टू 25 ट्री। या इसी को हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड ऐड ए 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। तो सोल्यूशन में ये कह रहा है कि नंबर हमने सपोज कर लिया एक्स है, अब अगर हम नंबर के 7 टाइम्स में 50 ऐड कर देते हैं तो जो ट्रिपल सेंचुरी है उसमें 40 कम रहता है, तो इसका मतलब 7x प्लस 50 इक्वल टू 260। अब ये 7x यहीं रोका, 50 प्लस में इधर आएगा माइनस हो गया, 260 माइनस 50। अब x इधर 7 से मल्टीप्लाई में है, x रोका इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 210 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 0, तो x बराबर 30। मतलब जो हमारा नंबर है वो 30 होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कोई नंबर है उसका 3/4 15 के इक्वल है, तो हमने सपोज किया लेट द नंबर बी टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 टी इक्वल टू 15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी को यहाँ रोका इधर जाएगा, तो हो जाएगा 15 × 4/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो टी इक्वल टू क्या होगा 5 1 जा 5 × 4, मतलब 5 4 जा 20। तो वो नंबर हमारा 20 होगा जिसका 3/4 क्या है 15 के इक्वल है। तो यहीं पर हमारा सिंपल इक्वेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि 7th क्लास की परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।